दोस्तों इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है रेडमी नोट 8। दोस्तों मैं रेडमी नोट 8 प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेडमी नोट 8 के बारे में, जो रेडमी नोट 8 प्रो का लोअर वर्जन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगी, क्या कुछ खास मिलेगा और किस प्राइस रेंज में ये डिवाइस आने वाला है, तो इन सभी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दोस्तों बात की जाए सबसे पहले डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको मिलेगी 6.3 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, जो आएगी वाटर ड्रॉप नॉच और गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में। अगर दोस्तों बात की जाए इसके बैक पैनल की, तो यहां पर भी आपको ग्लास बैक ही देखने को मिलेगा, साथ ही आपको मिलेगा क्वाड कैमरे का सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर जो क्वाड कैमरे का सेटअप रहने वाला है, इसका प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का, जो आएगा सोनी के सेंसर में, साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा रेडमी नोट 8 में। अब बात करी जाए अगर दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, जो आएगा एड्रीनो 610 GPU जो के साथ में, साथ ही दोस्तों आपको मिलेगा MIUI 10 जो वेट रहने वाला है एंड्रॉयड पाई 9.0 पर। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की, यहाँ पर आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो आएगी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में, साथ ही दोस्तों आपको USB टाइप सी, 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों ये सारी बातें होगी इनके स्पेक्स के बारे में, अब बात करते हैं इनके लॉन्च के बारे में और प्राइस के बारे में। दोस्तों Redmi Note 8 इंडिया में लॉन्च होने वाला है अक्टूबर महीने के दौरान ही, और दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो आपको अराउंड 8 से लेकर 10,000 के आसपास ही देखने को मिलने वाला है।